मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले के गांवों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम ने प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं और प्रभावित क्षेत्रों से मलबा हटाने और दवाइयों का छिड़काव करने को भी कहा है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। इसी के साथ सीएम ने 50-50 किलो अनाज भेजने की व्यवस्था के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। सीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ है। मुरैना, भिंडपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर अनेकों गांव में कह दिया। अभी मैंने हिमाचल में भी और बीदर खेड़ी में मकानों की स्थिति घुस के भी देखी। कई मकान मलबे के ढेर रह गए। अब फोटो वाले भी देख लो, बात हो जाए, मैं ज्यादा बोला। कई मकान मलबे के ढेर रह गए, अनाज सड़ गया, मकान गिर गए, घर का सामान खराब हो गया और खेतों में फसल नष्ट हो गई। मैं तब भी आपने देखा, मैं तब भी घूम गया। अब सड़क से नहीं आ सकते थे, पानी था जगह जगह। अब तो जगह जब अपन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड, पुलिस प्रशासन सब लगे थे, लेकिन हमने सेना के हेलीकॉप्टर भी मंगवाए। गांव से तो निकल नहीं रहते, तो मैं सेना का हेलीकॉप्टर अलग निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके तरफ चक्कर लगा के नीचे उतार के कह रहा था, भैया हो निकल जाओ। देखो, पहली चिंता आपकी ये थी कि जिंदगी बच जाए, बाकी तो मामा जिंदा बैठा है। एक बार जिंदगी बच जाए तो बाकी निपट लेंगे। तो उस समय चिंता यही थी, भैया निकल जाओ रे, भैया निकल जाओ रे, भैया निकल जाओ रे। और इसमें काफी हद तक अपन सफल रहे हैं। मैं तो कई जगह फोनों पर बात करने की कोशिश करता हूँ।